हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक और एक सुंदर सा अक्षय तृतीया स्पेशल रंगोली बनाना सीखेंगे, कुछ क्रिएटिव। तो जहाँ पे प्लेट रखे वहाँ पर एक पत्ती बनाएंगे, उसके ऊपर गणपति जी बनाएंगे, और जिस साइड में एक डिस्पोजल रखा है वहाँ पर एक कलश बनाएंगे। तो जहाँ पे कलश बनाना है वहाँ पर पहले येलो रंगोली रंगोली फिलर से फिल करेंगे, उसके ऊपर डिस्पोजल रखेंगे और उसके ऊपर जो ब्लू रंगोली है वो ब्लू रंगोली को छन्नी के सहायता से फिल करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा शेड देने के लिए हमने थोड़ा सा डार्क ब्लू यूज़ किया, पर उसको थोड़ा सा मिक्स करने के लिए ब्लेंड करने के लिए डार्क ब्लू और लाइट ब्लू को मिलाए, बीच का एक शेड बना, तो दोनों के बीच में भर दिए, थोड़ा सा वो ब्लेंड हो गया। इसके ऊपर जो जो बाकी बाहर बचा भाग है वहाँ पर रेड कलर देंगे और यहाँ पर भी थोड़ा शेड देंगे रेड कलर को, प्लेन नहीं रखेंगे, जैसे रेड कलर के साथ थोड़ा सा ऑरेंज मिलाए, फिर ऑरेंज के साथ में थोड़ा सा येलो मिलाए, तो थोड़ा सा लाइट होते गया। इधर थोड़ा सा डार्क करेंगे, डार्क यानी जो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर नहीं है तो रेड कलर में थोड़ा सा ब्लैक मिलाए तो भी ब्राउन हो जाता है। इस प्रकार एक सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन में एक बैकग्राउंड बनाना है जो हमने डिस्पोजल रखे थे, जो राउंड बन मिला एक येलो कलर का, वहाँ पर नीचे एक बेस बनाना है, ऊपर एक उनका जो गला बनाना है कलश के, जो हम पिछले वीडियो में बनाते आ रहे हैं। बीच में एक स्वस्तिक या ओम की चिन्ह बना सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर स्वस्तिक बना रहा हूँ। ऊपर कुछ पत्तियाँ और नारियल, ये सिर्फ जो फेस्टिवल के साथ थोड़ा कनेक्ट होना चाहिए करके हम यहाँ पर जो कलश है ये बना रहे हैं, क्योंकि जो अक्षय तृतीया है ये कलश और जो सोना जो गोल्ड के ऊपर ही रहता है फेस्टिवल। तो आप यदि ये रंगोली बनाते तो ये जो कलश है, कलश के साइड में कुछ जो कॉइन है गोल्ड के कॉइन बना लीजिए, क्योंकि मैं वो छूट गया कॉइन बनाना, क्योंकि जो पिछले दो तीन वीडियो में था वो कॉइन बनाए थे पर ये वीडियो में छूट गया कॉइन बनाना। तो यदि आप यदि ये रंगोली ट्राई करते हो तो जरूर साइड में थोड़ा खाली जगह है वहाँ पर कॉइन बनाना, कॉइन बनाने के लिए रखे थे लेकिन वो छूट गया। यहाँ पर जो पत्ती में पहले ग्रीन कलर भर देंगे, तो ग्रीन कलर भरने के पहले जो थोड़ा तो लाइट ग्रीन कलर है थोड़ा सा ऊंचा करके कुछ लाइन खींचेंगे ताकि थोड़ा सा उभर दिखे, जो पत्ती की रेशा है उसके उभर दिखे, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा करके लाइनिंग खींचेंगे और इसके ऊपर फिल करेंगे कलर को। तो क्या होगा, जो एक पत्ती का जो उभर है वो उभर दिखेगा, द 3D टेक्चर थोड़ा सा तो दिखे, जो हम जैसे चाहा था वैसे दिख रहे, थोड़ा सा टेक्चर आए। और तो बीच में गणपति बनाना है वाइट कलर के, इसलिए हमने थोड़ा सा डार्क कलर भर दिए, डार्क ग्रीन कलर। अब एक जो जो सॉस के बोतल आता है उसके ढक्कन है, जो सॉस के बोतल है उसके जो ढक्कन है उसमें वाइट रंगोली लेना है और इस प्रकार के कुछ लाइनिंग से गणपति जी के जो सिंबॉलिक गणपति है वो बनाना है। तो ये अच्छा वर्क करता है, जो ये सॉस बोतल के जो ढक्कन है प्लास्टिक के, आप चाहे तो छोटा फनेल है तो उससे फनेल से भी बना सकते हैं इस प्रकार के जो लाइनिंग। तो ये सुंदर से गणपति बन गया। अभी जो बाहर भाग बचा है यहाँ पर कुछ
कॉटन बर्ड से डिज़ाइन बनाएंगे। अब चाहे तो ये इसको इस डिज़ाइन को वाइट रंगोली से भी बना सकते यदि बैकग्राउंड सफ़ेद ना हो, या पर हमारे बैकग्राउंड जो टाइल्स है वो सफ़ेद था इसलिए ये काफ़ी वर्क कर रहे। और जो ये राउंड राउंड बने उसके ऊपर से भी थोड़ा सा जो रंगोली उसको सरकाते जाएंगे और इस प्रकार के डिज़ाइन बनेगा जो बैकग्राउंड डिज़ाइन। तो इस प्रकार एक सुंदर सा रंगोली क्रिएट कर सकते हैं हम कोई फेस्टिवल में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के अभी लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के क्रिएटिव रंगोली लेके आता हूँ। और वीडियो देखने के बाद जो वीडियो के नीचे सजेस्टेड वीडियो आता है उसके नीचे कमेंट बॉक्स आता है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर कमेंट्स कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक सुंदर क्रिएटिव रंगोली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।